ओम शांति। आज की तारीख है 18/2/22 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है मीठे मीठे शिव बाबा ब्रह्मा बाबा को निमित्त बनाकर और जो कर्म उन्होंने किए हमको भी सिखलाए, तो उनको श्रेष्ठ चरित्रवान बनाया तो हम बच्चों को भी उनके चरित्रों को फॉलो करने को कहा। तो मीठे मीठे बाप दादा, जैसे ब्रह्मा बाबा आज्ञाकारी थे तो बाबा कहते हैं मीठे आज्ञाकारी बच्चे, तुम्हें सदा अतीन्द्रिय सुख में रहना है, कभी भी रोना नहीं है, क्योंकि तुम्हें अभी ऊंचे ते ऊंचा बाप मिला है। प्रश्न है, अतीन्द्रिय सुख तुम गोप गोपियों का गाया हुआ है, देवताओं का नहीं, क्यों? उत्तर है, क्योंकि तुम अभी ईश्वर की संतान बने हो, तुम मनुष्य को देवता बनाने वाले हो। जब तुम देवता बन जाएंगे तब फिर तुम उतरना शुरू करेंगे, डिग्री कम होती जाएगी, इसीलिए उनके सुख का गायन नहीं है, ये तो तुम बच्चों के सुख का गायन करते हैं। गीत बजा है मुझको सहारा देने वाले, ये दिल कहे तेरा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार के दो गीता के महावाक्य, नंबर एक, कदम कदम बाप की राय पर चलना है, पूरा पूरा बाप पर बलिहार जाना है, जहाँ बिठाए जो खिलाए ऐसा आज्ञाकारी हो करके रहना है। नंबर दो, अपनी चलन बहुत रॉयल और ऊंची रखनी है, हम ईश्वरीय औलाद हैं इसलिए बड़ी रॉयल्टी से चलना है, कभी भी रोना नहीं। वरदान सतगुरु बाबा का, साधारण जीवन में भावना के आधार पर श्रेष्ठ भाग्य बनाने वाले पद्मा पदम भाग्यवान भव। बाप दादा को साधारण आत्माएं ही पसंद है, बाप स्वयं भी साधारण तन में आते हैं, आज का करोड़पति भी साधारण है, साधारण बच्चों में भावना होती है और बाप को भावना वाले बच्चे ही चाहिए, देहभान वाले नहीं चाहिए। ड्रामा अनुसार संगम युग पर साधारण बनना ही भाग्य की निशानी है, साधारण बच्चे ही भाग्य विधाता बाप को अपना बना लेते हैं, इसलिए अनुभव करते हैं कि भाग्य पर मेरा अधिकार है, ऐसे अधिकारी ही पद्मा पदम भाग्यवान बन जाते हैं। स्लोगन है, सेवाओं में दिल बड़ी हो, सेवाओं में दिल बड़ी हो तो असंभव कार्य भी संभव हो सकता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।